Okay guys, so right now main yahan pe walk kar rahi hu. It's like on the way to Paro. So Kinley yahan pe stop kiya, park kiya car ko, and he said we should just walk through this place. It's a very beautiful place. Just look at it. So pretty. Yeah, this is the bridge. Yes, this is the bridge. ये 13th century का है जो अभी जो भूटान की जो रॉयल फैमिलीज है वो अभी भी इसको प्रोटेक्ट करके रखे है. बाकी जितने सारे बाकी और भी आयरन ब्रिजेस थे वो डेमोलिश हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. सो यस, दैट्स द थिंग. आई एम लविंग दिस. इट्स ब्यूटिफुल. पहुंच गई. आई क्रॉस द ब्रिज एंड मैं दिखाती हूँ. आई क्रॉस्ड दिस ब्रिज ओवर देयर. या दिस इज द ब्रिज विच आई क्रॉस्ड एंड दिस इज द ब्रिज विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. सो ये वाला जो ब्रिज है ये आयरन ब्रिज है. ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था एंड तिब्बत से एक योगी आए हुए थे तो भूटान में. एंड ही रियलाइज्ड व्हाट ही नोटिस्ड कि भूटान में कोई ब्रिज नहीं है टू क्रॉस द लेक. दे लव एनिमल्स, तो उनका माइंड में ये भी था कि एनिमल्स कैसे क्रॉस करेंगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो. चलो ह्यूमंस तो कैसे भी कर लेंगे बट एनिमल्स कैसे करेंगे. एंड फॉर दैट रीज़न उन्होंने ये आयरन ब्रिज बनाना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था भूटान में. आयरन ब्रिजेस थे वो बर्बाद हो गए. इट्स लाइक डिस्ट्रॉयड हो गए. बट भूटान की जो किंग है, जो रॉयल फैमिली है, दे प्रोटेक्टेड दिस ब्रिज. सो दैट जो टूरिस्ट हो, जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगे भूटान के, उनको मालूम होना चाहिए कि 13th सेंचुरी में आयरन ब्रिज कैसे बनाया जाता है. सो यार, दैट्स द स्टोरी अबाउट इट. ग्रेट ना यार, यहाँ पे इतना सुकून मिलता है. नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दी टेम्पल. लेट्स सी. किले ने तो कहा है कि टेम्पल में रिनोवेशन का कुछ काम चल रहा है. आई डोंट नो, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से पूछा, दे वर सेइंग कि नहीं टेम्पल खुला हुआ है. खुला हुआ है तो देख लेते हैं यार. यार यहाँ पे इतना पहाड़ चलना पड़ता है ना, रियली बिलीव अब तो वेट लॉस हो ही जाना है. सीरियसली डूड, लास्ट टाइम में भी थिम्पू में हाइक किया लाल तरह, टुडे अभी चढ़ना पड़ रहा है. डैम, आई डोंट नो मैं ट्रैकिंग कैसे करूँगी पारो में जाके. That tiger nest wala. Finally, this is the entrance. Let's go.
थी. दे वे लाइक बुद्धा, गौतम बुद्धा का स्टैचू था, आइडल था. फिर और एक आइडल भी था जिनका नाम उन्होंने कहा, एंड आई जस्ट फॉरगॉट, आई लॉस्ट इट. सो आई एम शोइंग यू द टेंपल. ये टेंपल 14th सेंचुरी को बना था. के साथ हमारा लैंग्वेज इश्यूज हो गया. उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश भी नहीं आ रहा था, हिंदी थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे काम चलाने लायक. तो नहीं इसमें एक्सप्लेन कर रहा था. तो रास्ते में और कहीं मैं रुक गई तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो यू द प्लेसेस. मैं कहाँ रुकती हूँ और मैं क्या देखती हूँ. भूटान इज रियली अ नाइस प्लेस, यू नो, यू कैन कम एंड विजिट. चलो बाय बाय, सी यू. हाय गाइस, सो दिस इज द सेकेंड स्टॉपेज जहाँ पे मैं रुक रही हूँ. दिस इज बहुत ही सुंदर सीनरी है, रिवर है. लेट मी शो यू. या this is the one, Zongkang Administration Paro. It's Zongkang Forestry Sector Recreational Plantation. Yeah. So took a break. यहाँ पे रुकना है, वादियों का मजा लेना है. I love this place. This is so beautiful. ऐसे मैं movies में usually देखा करती हूँ, but now मैं actually देख रही हूँ. See, it's such a beautiful place. So, if you are private, so what I was saying, wait. Yeah. So, if you are log private car hire karte ho, yahan aane ke liye, matlab Bhutan ghumne ke liye, I will suggest you yahan pe ruk jana. यहाँ पे enjoy कर लेना. If you love rivers, I love rivers. I definitely love rivers. मुझे hill stations, rivers बहुत अच्छा लगता है. I'm not a great fan of sea beach. वेन्यू में जाती हूँ एंड लेट्स सी जो नेक्स्ट वेन्यू होगा देन अगेन आई शेयर विद यू गाइस. एंड इट इज रियली वेरी विंडी. बाय बाय. हेलो, राइट नाउ मैं अपने नेक्स्ट साइट सींग में आई हूँ. पारो, वी रीच्ड पारो एक्चुअली. वो जो लेक था उस लेक के बाद राइट नाउ हम लोग पारो में आ गए हैं. एंड जबकि कल आई डू हैव अ प्लान फॉर दिस ट्रैकिंग वाला प्लान टू द टाइगर नेस्ट, जो इज लाइक अ मस्ट. तो अभी किले सेड दैट वी शुड विजिट रॉयल म्यूजियम टुडे. तो हम लोग अभी रॉयल म्यूजियम में आए हैं भूटान पारो में, और यू कैन ऑल्सो से दैट नेशनल म्यूजियम. लेट मी शो यू गाइस. यस, लेट्स गो इनसाइड. यहाँ पे जो आपको लेके आएंगे गाइड, उन लोगों का कहीं चार्जेस आई थिंक नहीं लगता है, राइट? बट एज अ टूरिस्ट दे विल चार्ज यू 100 रुपीस पर पर्सन. तो आपको टिकट लेना पड़ेगा टिकट काउंटर में 100 रुपीस. एंड इसके अलावा व्हाट एल्स टू से,
यू कैन एंजॉय, कम हेयर। और आप पारो आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे मॉनेस्ट्री मिलेंगे जो कि चार्जेबल है, लाइक यू हैव टू पे 500 रुपीज़ एंड सो ऑन। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बहुत सोच समझ के मॉनेस्ट्री में इन्वेस्ट करो, मतलब जिस भी मॉनेस्ट्री में आपको जाना हो वेर 500 रुपीज़ देना होगा। हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो सिलेक्टिव है वहीं पे जाओ। जैसे कि राइट नाउ टुमारो वी विल गो टाइगर नेस्ट ट्रैकिंग करके, बट टाइगर नेस्ट में एंट्री करने के लिए दे चार्ज अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन, बट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन दैट बिकॉज आई थिंक इट्स रियली वर्थ इट। आप वहाँ जा रहे हो एंड इतना 3-2 घंटे के ट्रैकिंग करके, तो इनसाइड यू शुड सी कि क्या है। सो या लेट मी शो यू द व्यू। यस, this is the way. It's beautiful, no? I like it. So peaceful. Oh, camera allowed me, eh? Damn, camera allowed me, yaar, museum mein. Shit. But yeah, I will share with you guys my एक्सपीरियंस म्यूजियम के अंदर क्या है वो बता। सो या मैं म्यूजियम में गई थी, उन लोगों ने 100 चार्ज किया था, तो इस जस्टिस ही है। वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे यू विल गेट टू नो कि ये जो भूटानीज का जो ये ट्रेडिशनल डांस मास्क डांस जो है, अभी तो फेस्टिवल का टाइम नहीं है, ऑफ सीजन है, फेस्टिवल सीजन नहीं है, तो मास्क डांस कितने तरीके का होता है एंड हर एक मास्क क्या क्या डिस्क्रिप्शंस है, उस मास्क का क्या मीनिंग है, वो उन लोग एक्सप्लेन करते हैं अंदर एंड एक वीडियो में भी दिखा देते हैं, एक फिल्म टाइप की। आई थिंक वो फिल्म अराउंड 10 मिनट्स का होगा एंड इसके बाद वो लोग दिखाते हैं, यू कैन सी ऑल द एनिमल्स जो है वहाँ पे, यू कैन सी दैट। So if you want to acknowledge yourself about Bhutanese culture, tradition and kis century mein, like 7th century, 11th century, kis century mein kya kya mask dancing Bhutan mein hua hai, aaya hai and kaise hua hai, you can just, you know, gather knowledge. I think it's a good, if you wish, yahan aa jao, kyunki paro mein apart from trekking, you can come विजिट हेयर। और इस म्यूज़ियम के ठीक ऑपोजिट में दस यहाँ पे हम लोग वॉक करके थोड़ा दूर जाएंगे तो यू कैन सी द क्या बोलते हैं द व्यू पॉइंट ऑफ पारो, यू कैन इंजॉय दैट एंड दिस इज द व्यू ऑफ द म्यूज़ियम, इट्स ग्रेट। So yeah, let's go to the museum. मैं अभी तक होटल में चेक इन भी नहीं की हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है, लंच भी नहीं किया है। आई जस्ट हैड 2 pancakes ब्रेकफास्ट में, दैट्स ऑल। या लेट्स गो, व्यू पॉइंट देखते हैं एंड देन वी विल गो टू द मेन मार्केट एरिया एंड वी विल ईट समथिंग। सीरियसली आई एम स्टार्विंग राइट नाउ। सो यस, जैसे कि किले ही वॉज टेलिंग अस कि यहाँ पे एक बियर फैक्ट्री है एंड दे आर लाइक 11 टाइप्स ऑफ बियर
जो भूटान में बनता है. I guess that I'm right. So yeah, we can go there, and they will charge around 240 for a set. You know, for a set to taste beer. So I'm damn girl. It's so windy. So yeah, so I guess I'm going there to try the beer. So अगर आप पारो आते हो तो इंडियन म्यूजियम में ज़रूर जाना. साथ में यू शुड ऑल्सो गो एंड विजिट द बियर फैक्ट्री. मुझे तो लगा था यार बहुत ठंड होगा. है ही नहीं, मतलब है ऑफकोर्स, राइट नाउ इज वेरी कोल्ड एंड विंडी, बट ऐसा नहीं है कि थर्मल वेयर भी पहनना पड़ो. जस्ट ओवर कोट इज सफिशियंट, विल बी सफिशियंट इफ यू आर कमिंग इन द मंथ फेब्रुअरी. बट ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. ओके यार इट्स टू विंडी, मैं बाद में शूट करती हूँ. चलो यस, राइट नाउ आई एम वॉकिंग इन द मेन मार्केट ऑफ पारो. एंड यहाँ पे सीरियस बहुत सारे शॉप्स हैं, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ. Yeah. Yeah. See. Yeah. और मुझे लंच भी करना है. मैम एज आई टोल्ड यू व्यू पॉइंट में मैं काफ़ी ज़्यादा आई वॉज स्टार्विंग लिटरली. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू लंच. मैंने यहाँ पे एक कैफ़े देखा है, एक रेस्टोरेंट विच लुक्स प्रीटी कूल. तो आई गेस मैं वहीं पे लंच करने वाली हूँ. Cafe, right? Let's go inside. And there is Kinley. Huh? What are you going to eat? What are you going to eat? Lunch. Lunch. Yes. So I'm inside the cafe, and मैं पता है यहाँ पे खाने के options बहुत limited होते हैं. यहाँ पे मतलब हम लोग इंडिया में जैसे पिज़्ज़ा के बहुत सारे options होते हैं, तो वहाँ यहाँ पे इतने options नहीं हैं. But the cafe is really cool. Pastries बहुत है, and you know guys, I love bakery. तो बस जहाँ bakery हो जाए मेरा बस दिन बन जाता है. तो पेस्ट्रीज है, एंड यहाँ पे सिज़लर है, बट यहाँ पे चिकन नहीं है इस कैफ़े में. सो इन दिस कैफ़े यू विल गेट फिश एंड यू विल गेट टूना फिश. सो आई ऑर्डर्ड टूना फिश सिज़लर विद टूना फिश, एंड माय फ्रेंड शी ऑर्डर्ड थाली, वेज थाली, एंड इट्स प्रीटी गुड. आई एम गोइंग टू शो यू द वेज थाली. इट्स प्रीटी इम्प्रेसिव दो. See, roti, rice, all other things in veg thali. Yes. And mera sister aa raha hai, pata nahi kaisa hoga, doubt hai, tasty hoga ki nahi. Let's see, let's hope. And uske baad I without pastry to main yahan se jaane wali hu. So definitely I'm going to try white forest pastry. Whoa.
And my Buddha sister is here. This is amazing. Okay, yeah, this is amazing. My sister finally arrived here and it is looking very great. Very great. Wow, amazing. So yes, मैंने lunch कर लिया है and of course मैंने takeaway भी लिया है. मैंने black forest लिया as I love pastries. पर मैं जो tuna steak था, yeah, it was very heavy. तो फिर मैंने और Rix ने लिया. I will enjoy my pastry hotel में and yes, this is the cafe. This was mountain cafe. अगर आप पारो आते हो, you can definitely try this cafe. I'm going to wait. It's so difficult here. I'm going to visit this store. Yeah. And मुझे कुछ चीजें चाहिए. रात को भूख भूख लग जाए तो भाई खा लूँ. I was talking about this one. आप यहाँ पे आते हो, then do try this peach wine. It's really great. It tastes awesome. It tastes much better than. मैंने बहुत sightseeing कर लिया है, and I'm really feeling like to do some shopping. Without shopping, I think incomplete सा लग रहा है यार. भूटान में आए हो, shopping नहीं करना ऐसे कैसे हो सकता है? So yes, यहाँ पे एक store है. Let me show you. Yeah. This is the store, local art collection and souvenir. These are the traditional Bhutanese dresses, and ये blue color में है. This skirt they call it Kira. Yeah, and you know I love fashion. I love traditional dresses a lot. तो यहाँ मैंने ये purchase किया है. Sure. That was किल्ले. Yeah. So मैंने ये purchase किया है. And इसके साथ, you know what? You can have these jackets. You can purchase this jacket. Visiting Bhutan, I will suggest कि आप इस store में आ जाओ. आप पारो में आते हो, you can come the store and you can purchase it. Hi, I'm Karma from Bhutan, and then I would like to welcome Ms. Pubali to Bhutan, and then Bhutan should be on your list to visit, you know, because Bhutan has one of the unique culture and people here are friendly. Now, अभी होटल में चेकइन कर लेना चाहिए. बहुत साइटिंग किया और अभी तक मैंने पारो के होटल में चेकइन तक नहीं किया है. Yes, let's go. I'm too tired and I'm looking really, really tired. Guys, guys, it's almost too late, yaar. Just now I reached my room, hotel, and I'm going to show you. It's a cute cottage type room. Let me show you.
the TV. Shoot na. Heater bhi hai yahan pe. So yahan pe I'm going to stay for next 2 days. Yeah, I'm too tired. And kal morning I'm going for trekking. To usse pehle time mila to I will show you what I bought. And agar time nahi mila to yeah. Aapki, I think day after tomorrow I will show you. Yeah, that will be much better. See you. Bye. Good night.